खंडवा जिले में मिनी गोवा के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक हनुवंतिया में जल महोत्सव का समय बढ़ाना पड़ गया भारी, हो गया गंभीर हादसा। हनुवंतिया में बुधवार शाम को गंभीर हादसा हो गया। इवेंट कंपनी का पैराग्लाइडर सैकड़ों फीट ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा, जिसमें पैराग्लाइडर को संचालित कर रहे पायलट सहित एक अन्य की मौत हो गई। मरने वालों के नाम गजपाल सिंह, पिता सुरेंद्र सिंह राजपूत, उम्र 28 वर्ष, निवासी बूढ़ा मांगलियान, जिला पाली राजस्थान, तथा बालचंद दांगी, पिता राम प्रताप दांगी, उम्र 32 साल, निवासी ग्राम बमोरा, जिला राजगढ़ ब्यावरा बताए गए हैं। बताया जाता है कि दोनों मृतक इवेंट कंपनी के कर्मचारी हैं। घटना शाम 6 बजे के आसपास की बताई गई है। पैराग्लाइडर के कई काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरते ही पर्यटन केंद्र पर हलचल मच गई। दोनों युवकों को ताबड़तोड़ मुंदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। अस्पताल आने के पहले ही दोनों की मौत होना बताया गया है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शांता तिर्की ने दोनों को मृत घोषित किया है। मुंदी थाने उप निरीक्षक BS मंडलोई तथा ASI सुनील पाटिल मुंदी अस्पताल पहुंचे। मामले में छानबीन की जा रही है। मुंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हनुवंतिया में जो पैरा ग्लाइडिंग मोटर एक्टिविटी होती है उसमें दो लोगों के गिरने से मृत्यु होने की खबर आई है। इसमें एक व्यक्ति बालचंद्र दांगी, जिनकी उम्र 32 वर्ष की थी और राजगढ़ के रहने वाले थे, और दूसरे व्यक्ति राजपाल सिंह राजपूत, जिनकी उम्र 28 वर्ष थी और पाली राजस्थान के रहने वाले थे। इन दो लोगों की उसमें हादसे में मृत्यु हुई है। इसमें पायलट के साथ साथ जो दूसरे व्यक्ति थे, वो जो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है इस इवेंट को, उसके ही ओनर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। इस हादसे के उपरांत मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आदेशित कर दी गई है, जिसमें समस्त तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे। अभी वर्तमान में दोनों ही जो घायल हुए थे उनको मुंदी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर BMO द्वारा उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई है। समस्त आगामी जो कार्रवाई है वो वर्तमान में की जा रही है और जांच आने के उपरांत इस संबंध में और विस्तृत रूप से आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।